इसे मौसम की मार माने या फिर दरभंगा एयरपोर्ट की लापरवाही कि लगातार दूसरे दिन भी दरभंगा से उड़ान वाली सभी फ्लाइटें रद्द कर दी गईं। खराब मौसम का कारण देते हुए दरभंगा एयरपोर्ट से फ्लाइटें रद्द की जा रही हैं, मगर इसकी ऑफिशियल जानकारी सार्वजनिक या मीडिया को देने के लिए कोई अधिकारी सामने नहीं आ रहा। हालांकि इन्हीं फ्लाइट्स को दरभंगा ना लैंड करवाते हुए कई बार डाइवर्ट कर पटना, कोलकाता और वाराणसी में उतारा गया है, क्योंकि जानकारों की माने तो रनवे पर लाइटिंग सिस्टम और दरभंगा हवाई अड्डे पर ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जो एयरक्राफ्ट्स को नेविगेट करता है उसके नहीं होने के कारण भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। दूर दराज से दरभंगा एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने के लिए आने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि उन्हें किसी भी तरह की जानकारी या सहायता एयरपोर्ट से मुहैया नहीं करवाई जा रही है, ना ही उन्हें किसी भी तरह से रिफंड की गारंटी। दरभंगा से बॉम्बे के लिए फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार तक ने दरभंगा एयरपोर्ट में मौजूद कई पैसेंजर से बात करने की कोशिश की। मुंबई जाने वाले एक यात्री ने बताया कि टिकट कैंसिल होने पर रिफंड भी नहीं दी जा रही। परेशानी ये हो रही है कि आज का फ्लाइट बॉम्बे का कैंसिल किया, चार दिन के बाद अहमदाबाद से रिटर्निंग हमारा टिकट बना हुआ था। हम लोग कंप्लेन किए हैं कि भाई हम लोग जब तक जाएंगे नहीं फिर उधर से वापस कैसे आएंगे। अब बोलता है कि वो पैसा रिफंड नहीं करेंगे, क्योंकि आज जाएंगे तभी हम नेक्स्ट जो है सो अहमदाबाद से रिटर्न होते। अब यहाँ कहना है कि जो चार दिन बाद का जो टिकट बना हुआ है अहमदाबाद से दरभंगा का, उसका पैसा रिफंड नहीं होगा। वो पैसा पूरा मतलब मौसम का कारण बताया है। आज फ्लाइट जो आज का बॉम्बे का कैंसिल हुआ है वो मौसम ख़राब है इसी के कारण। ये करीब 5-6 दिन से यहाँ से फ्लाइट नहीं जा रहा है। कहते हैं प्रकृति पर किसी का बस नहीं होता, लेकिन उसके नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए कुछ तैयारियाँ पहले से ही की जा सकती हैं, जो कि दरभंगा एयरपोर्ट पर गायब नजर आ रही हैं। बीते कुछ हफ्तों से यहाँ एयरलाइंस की काफ़ी खस्ता हालत है। कई पैसेंजर्स का तो कहना है कि बाहर दूर से एयरपोर्ट पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि फ़्लाइट कैंसिल है और फिर उन्हें आगे की डेट के लिए टिकट दे दी जाती है, मगर फिर से वो कैंसिल हो जाती है। ये दिल्ली जाना है बच्ची को और अभी तक मौसम ख़राब था इसलिए फ़्लाइट कैंसिल हो रहा था। आज शेड्यूल्ड है जाएगी। कब से परेशानी हो रही थी इस तरह का? एक हफ्ता से इस तरह का सुन रहे थे कि दिक्कत है, फ्लाइट कैंसिल हो रही। अच्छा, आप लोगों को भी टिकट रद्द करवाना पड़ा? नहीं नहीं, हम लोगों को नहीं कराना पड़ा था। आज क्या बताया जा रहा है? अभी बताया जा रहा है कि जाएगी फ्लाइट। आज मौसम दिख रहा है? हाँ, लग रहा है कि मौसम ठीक है, होना चाहिए। लेकिन जो फ्लाइट रद्द हुई थी परेशानियाँ बढ़ रही थी, उससे तो दिक्कत होती ही है ना आदमी तो शेड। मौसम पर तो प्रकृति पर किसी का क्या कंट्रोल है, उसको यहाँ उस हिसाब से सुविधा बढ़ाना होगा तब, ताकि आपको पहले से जो शेड्यूल्ड अपना प्रोग्राम है वो डिस्टर्ब नहीं हो। ऐसे में लोगों की परेशानियाँ दिन पर दिन बढ़ रही हैं और ऊपर से बार बार यहाँ आने से पैसे भी खर्च हो रहे हैं। सो वो अलग, यात्री चाहते हैं कि उनकी दिक्कतों को समझा जाए, क्योंकि उनकी भी मजबूरियां रहती हैं कि वो इमरजेंसी में एयर टिकट करवाते हैं लेकिन फ्लाइट्स की उड़ान नहीं भर पाते हैं। बार बार ऐसी शिकायत आने के बावजूद अधिकारियों और एयरलाइंस की तरफ से जो रवैया दिख रहा है वो काफ़ी उदासीन करने वाला है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।